नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव आरएन पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहता हूं हमेशा, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो मेरा कुछ मैं कोई मेरा कहीं जा रहा हूं या फिर मेरा कोई इंपॉर्टेंट टाइम है तो उसका एक ब्लॉग दिखाऊँ। वो हमेशा ब्लॉग नहीं आता रहेगा, अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो ऐसा कोई सीन, ऐसे कुछ जगहें हैं या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम है उसको मैं दिखाऊँगा। जैसे आज तारीख है 3 नवंबर और आज से मैं आप लोग को ब्लॉग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और इस पहले ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊँगा एक अलाहाबाद के यानी प्रयागराज के एक स्टूडेंट की लाइफ, या फिर यू कहिए कि मेरी एक लाइफ। ठीक है, देखिए इस समय हम यमुना जी के किनारे स्थित हैं, मतलब यमुना जी के किनारे हैं, खड़े हैं, और ये नया ब्रिज है। ठीक है, उधर एक पुराना ब्रिज था, ठीक है, जो कि जिसपे बहुत भीड़ लगती थी, जिसके कारण इसको नया ब्रिज बनाया गया। और इसे लोग लवर्स पॉइंट भी कहते हैं और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग लड़के ऊपर आते हैं, ठीक है, अगर अगर लव में फ्रस्ट्रेट हैं तो ऊपर से सुसाइड कर लेते हैं। और तो लवर्स पॉइंट भी हुआ, सुसाइड पॉइंट भी हुआ। ये हम यमुना के किनारे खड़े हैं और वो जो आप देख रहे हैं उधर, वहाँ पे वो मनकामेश्वर मंदिर है, जो कि मनकामेश्वर मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। और वहाँ पे भीड़ होता है खासकर सावन या फिर सोमवार की तरफ। और उससे जब आगे जाएंगे वो पीली लाइट जहाँ जल रही है उसको देखेंगे, वो अकबर का किले का पिछले वाला हिस्सा है, ठीक है। और वहीं पर एक अक्षय भट्ट है जिसको आर्मी से काफ़ी बात करने के बाद उसे खोला गया है, ठीक है, काफ़ी बात करना पड़ा है। और अक्षय भट्ट, और ऐसा माना जाता था पहले के समय कि वो अक्षय भट्ट है, और वो शुरू से ही बहुत पहले से भगवान लोग के ज़माने से, कृष्ण जी के ज़माने से वो भट्ट चलता हुआ आ रहा है। और उस पर से जो भी सुसाइड कर लेगा वो सीधे परलोक सिधार जाएगा। काफ़ी लोग सुसाइड करने लगे थे, और क्योंकि वो आर्मी के एरिया में आ गया है तो इसलिए उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस कुंभ में उसे भी खोल दिया गया है, ठीक है। और उसकी तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जहाँ ये मेरा हाथ देख रहे होंगे, वहाँ पर ये यमुना जी जाके मिल रही है और उधर से गंगा जी आ रही है, वो एक संगम का एरिया है, ठीक है। तो इस तरह एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा वीरान, ये घास फूस निकले हुए हैं, ये वीरान एरिया इस समय दिख रहा है, लेकिन कुंभ के एरिया में ये समझिए यहाँ पे 5-स्टार होटल रहता था, ठीक है, और अच्छे खासे उसके प्राइस रहते थे। और मुझे को नहीं लगता है कोई नॉर्मल लोग ही वहाँ पे ठहरते हों। पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, या रोमियो स्कॉट की गाड़ी है, या रेल घाट से लेकर नए पुल तक चक्कर लगाती रहती है। कोई भी अगर इधर उधर हरकत करता है तो उसे पूछती है और फिर समझाकर छोड़ देती है। पुल के पास ही हैं, और ये देखिए ये जो इलाका पीछे आप देख रहे हैं, मतलब कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे समझिए बहुत ही सब कुछ वीरान था। यहाँ पे गुलाब की खेती होती थी, लेकिन कुंभ में इसको थोड़ा मतलब मिट्टी पाट कर और एक नया रोड बना दिया गया, और ये काफ़ी समझिए अच्छा खासा रोड हो गया है जिसपे काफ़ी मात्रा में लोग टहलने आते हैं, और काफ़ी ये चलायमान रोड हो गया है। और समझिए ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड अरैल घाट के लिए जाती है, और इस पर काफ़ी मतलब सुनसान रहता था, यहाँ पे मर्डर चीने थी, इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, लेकिन ये रोड बनने के बाद ही अब काफ़ी लोग यहाँ पे आने लगे हैं। पुलिस भी यहाँ पे काफ़ी आती जाती रहती है। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, देखिए ये टू वे रोड है, बीच में ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी फूल और पेड़ और लगा दिए गए जिससे काफ़ी सुंदर लुक आता है। और वहाँ पे वो एक पुलिया है, आपको वहाँ पर भी हम ले चलेंगे, और वहाँ पे काफ़ी फ़ोटो खिंचाने वाले, वीडियो बनाने वाले, जब टिकटॉक था टिकटॉक बनाने वाले लड़के आते रहते थे, ठीक है। और ये इसलिए आते रहते थे क्योंकि इसके अपोजिट साइड, पुलिया के जस्ट अपोजिट साइड ये नया ब्रिज है, और इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा आता था। ये अरैल जाने वाली रोड है, ये आप जो अगल बगल पेड़ देख रहे हैं, ये कुंभ में इसे रंग दिया गया था, और ये जो पेड़ रोड पे झुके हुए हैं देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा सीन आता है, और काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं। थोड़ा मेरा कैमरा धुंधला होगा, ठीक है। और ये जो फील्ड है,
ये हालांकि कुम पार्किंग है और यहीं पे कुछ लड़के टेम्प्रोरी एक तरह से समझिए दौड़ने का अपना बना कर प्लेस और दौड़ते हैं या फिर कुछ लोग खेलते भी हैं। और ये इधर पुराने पुल की तरफ या फिर ये यूँ कहें कि इलाहाबाद जाने का रास्ता है। ये पूरा जो फील्ड है ये पूरा कुम पार्किंग है। इतनी बड़ी पहले इसमें गुलाब की खेती होती थी जिसे कुम के समय प्लेन करके और पूरा कुम पार्किंग बना दी गई। जब मेन कुम का कोई स्नान होता है तो ये पूरी फील्ड बसों और गाड़ियों से भरी होती है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और पार्किंग इधर ही बना दिया गया है। और जो आप वो पुल देख रहे हैं वो नया वाला ब्रिज है जो नैनी को इलाहाबाद से जोड़ता है। और इस समय ये लड़के ये समय फील्ड बना कर दौड़ रहे हैं। इस समय हम लोग शाम को टहलने आते हैं, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो वो ब्रिज था, वो नया वाला ब्रिज था, ठीक है। और उसके इधर जब हम रेल की तरफ बढ़ते हैं तो इधर एक फील्ड है जो कुछ लड़कों ने ऐसे ही बना दिया है। हालांकि ये जो फील्ड है ये कुम पार्किंग के लिए है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे दौड़ने आए। देख रहे अगर पीछे अगर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को तो काफ़ी लड़के हैं, हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करने आए हैं। हाय, ये मेरा रूम है और ये देखिए कि स्टूडेंट लाइफ का एक रूम है। ये काफ़ी छोटा रूम है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ही लगभग सारी दीवारें जो दीवारें हैं वो मेरे पहुँच चुके हैं। ये मेरा बेड है और ये मेरे ये देखिए ऊपर कुछ फालतू सामान पेपर ऊपर रखने के लिए कुछ अनयूज जो बहुत कम यूज होती हैं वो किताबें हैं। उसमें मैं अपना कंबल ऊपर रखता हूँ, उसमें कपड़े और ये सारे बुक्स। और ये लगभग समझिए घर जाने की तैयारी है दिवाली की छुट्टी में, ठीक है। और शायद ये आज मेरा इस रूम में लास्ट दिन है क्योंकि मैं रूम चेंज करने वाला हूँ, अकेले रहने लगा हूँ तो रूम अब चेंज करना पड़ रहा है। और ये देखिए ये लाइफ है, ये मेरा सामान वामान था, उसमें आटा था, इसमें चावल था और इधर ये दाल या फिर तेल और ये सब चीज़ें रहती थी। ये छोटा वाला गैस मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये सब मेरी चीज़ें हैं और ये मेरा बेड है, यही सब है स्टूडेंट लाइफ। ये देखिए मेरा रूम चेंज होने की पार्टी चल रही है इस समय जो पनीर की पार्टी है। ये लेप्रोसी चौराहा है, ये पहले बहुत ही छोटा एक चौराहा था, मतलब इतना छोटा भी नहीं था लेकिन मात्र एक छोटा सा एरिया था इसमें, लेकिन कुंभ के समय इसे काफ़ी बड़ा करके मॉडरेट कर दिया गया। ट्रैफिक लाइट और कैमरे भी लगा दिए गए हैं, कैमरे की निगरानी में रहता है पूरा ये चौराहा। ये है मेरा नया रूम और इस समय शाम है और हम टहलने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये मेरा रूम है और इधर से मैं ये गेट के जस्ट सामने रूम है, मैं गेट के बाहर निकल रहा हूँ। ये मेरा लॉज है और ये मेरे साथ के लड़के ये है प्रशांत, ठीक है, और ये है प्रभात, ये वही जैकेट है। ये देखे, और ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा लॉज है। मैं सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं इस समय ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस समय मेरे सुबह के टाइम ट्यूशन पढ़ाने का टाइम होता है और आज का मेरा वीडियो लास्ट वीडियो का क्योंकि कल मैं घर जा रहा हूँ। नमस्कार, आज तारीख है 8 और इस समय शाम के, आज मेरे वीडियो का या आज इस ब्लॉग का लास्ट है। मैं ये वीडियो चूँकि टुकड़े टुकड़े में करके बना रहा हूँ, दो तीन दिन ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। मेरा ऐसी तो कोई इंटरेस्टिंग लाइफ पूरे दिन का है नहीं कि आप लोग को एक दिन का ब्लॉग बना के दूँ, तो मैं दो तीन दिन का बस ऐसा समझिए कि मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि एक स्टूडेंट या फिर ऐसा समझिए कि मैं कैसे रह रहा हूँ।
ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। और अगर आगे चल के ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोई चीज़ मेरे साथ होती है या फिर अगर मैं इंटरेस्टिंग जगह पर जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो आपको उसका वीडियो मैं बना के दूँगा। जैसे कि आज इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ और कल मैं जा रहा हूँ घर, तो कल आप लोगों को एक अपने जाते समय एक वीडियो मैं बना के दिखाऊँगा और घर पहुँचूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इस समय ये जो देख रहे हैं ये नया रोड बना हुआ है, कुंभ के समय बना था, इस समय नए रोड पे हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यह लोकेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे रहते हैं, शाम आते रहते हैं। और यही है मेरा, उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई भी सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है, कोई भी सजेशन हो या फिर कुछ और कुछ कहना चाहते हो, कुछ तारीफ हो तो उसको लिखिए, कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी लिखिए। साथ में सब्सक्राइब करें।